बलिहारी तेहि पुरुष की जो परचित पर खनहार साई दीनों खाण को खारी बुझे गंवार। साई कहते हैं बयाना देना, बयाना यानी एडवांस कुछ पैसे देना, सामान खरीदना है, सामान 10 लाख का है तो 20,000 रुपये एडवांस जमा कर देना, तो पक्का हो गया कि ये सामान मुझे लेना है और मेरा है और मैं जब आपको बाकी राशि दे दूंगा तो सामान ले लूंगा, उसको साई कहते हैं। तो साहेब कहते हैं जो परिचित पर खनहार, परिचित मानव परखनहार किसे कहते हैं, परखनहार वह है परखने वाला, उसको परखनहार कहते हैं, परीक्षा करने वाला, और परिचित यानी परिचय पहचान, और खाण माने शक्कर चीनी, और खारी माने नमक, और गंवार माने नादान, गंवार माने मूर्ख, गंवार माने बैल बुद्धि, उसको गंवार कहते हैं। आपसे कोई कह दे कि आप गंवार आदमी हैं तुम्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि वो व्यक्ति गंवार है तो किसी को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि कबीर साहब किसी का नाम लेकर नहीं कहते हैं, वे इनडायरेक्ट मेथड में सभी के लिए कहते हैं, इसलिए बुरा नहीं लगता है। बलिहारी तेहि पुरुष की जो परचित पर खनहार साई दीनों खाण को खारी बुझे गंवार। बुझे, बुझे का अर्थ होता है बोझे से बुझे बना है, यानी लादना, जिसको लादना कहते हैं वो है बुझे। अब बुझे माने समझना भी होता है, अर्थात कबीर साहब कहते हैं बलिहारी ते पुरुष की, उस व्यक्ति की मैं बलिहारी करता हूँ, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, किसकी, जो परिचित पर खनहार, जो सत्य और असत्य, जो सुख और दुख, बंधन और मोक्ष, सार और असार, हानि और लाभ से ठीक से परिचित है, और इन सब चीजों को जिसमें परखने की कला है, जो पारखी है, किस चीज़ से मेरी हानि होगी, किस चीज़ से लाभ होगा, किस चीज़ से मेरा कल्याण होगा, किस चीज़ से हमारे बंधन बनेगा, किससे मेरा पतन होगा, किससे मुझे अपमान मिलेगा, क्या करने से हमें सम्मान मिलेगा, इस ज्ञान से जो ठीक से परिचित है, इस ज्ञान को जिसने ठीक से प्राप्त किया है और इसको जिसे परखना आता है, जो ऐसा पारखी है, कबीर साहब कहते हैं उस पर मैं न्योछावर होता हूँ, बलि बलि जाता हूँ, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, जो पारखी है। पारखी होना बहुत अच्छी चीज है, और जो पारखी नहीं होगा वो दुनिया में फेल हो जाएगा। व्यवहारिक जीवन में भी पारखी बनने की आवश्यकता है, आध्यात्मिक जीवन में भी पारखी बनने की आवश्यकता है, कल्याण के लिए भी पारखी बनने की आवश्यकता है। अगर आप में परखने की शक्ति नहीं है तो आप गलत व्यक्ति को गुरु बना लोगे, गलत व्यक्ति को शिष्य बना लोगे, बाद को असमंजस पड़ेगा, टाइम पास हो जाएगा, और गलत व्यक्ति से रिश्ते जोड़ लोगे। सांसारिक जीवन में भी परख होनी चाहिए, गलत घर की बहू ले आओगे, गलत लड़की को पत्नी बना लोगे, गलत लड़के को पति बना लोगे, खाली मुंह देख लिया बस हो गया, नहीं उसके मन को भी देखना है, परखना है। परखने में चूक जाओगे, अधिक पैसे दे करके गाय भैंस खरीद लाओगे और दूध नहीं देगी, उसके नीचे दूध को भी परखना पड़ता है कि भैंस कितना दूध दे सकती है, भैंस कितना अच्छी है,
खाली मोटी है भैंस उससे कुछ नहीं होगा, उसके दूध को परखने की कला होनी चाहिए। ऐसे ही कपड़ा भी परखना पड़ता है, गाड़ियों को परखना पड़ता है। गलत कंपनी की गाड़ी लोगे पछताओगे आप, बार बार बिगड़ेगी, मेंटेनेंस कराते रहोगे, खर्चा बहुत आ जाएगा। इसलिए जिसमें परखने की शक्ति है, जो पारखी है, जो हानि लाभ दोष गुण से परिचित है, कबीर साहब कहते हैं उस पर मैं बलिहार जाता हूँ, उस पर मैं न्यौछावर होता हूँ, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ, इसलिए पारखी बनो। और कबीर साहब ये भी कहते हैं जो पारखी नहीं है, सारा सार गुड़ गोबर एक में मिलाता है और समझता नहीं है, तो साहब कहते हैं वो तो ऐसे है गंवार आदमी है। कैसे गंवार है? जैसे कोई ग्राहक चीनी खरीदने के लिए साई दिया हो, बयाना दिया हो, अग्रिम राशि दिया हो, पेशगी दे दिया हो, और जब खरीदने के लिए जाए, वहाँ से माल लदवाए, पेमेंट तो चीनी का कर दिया, और वहाँ से नमक लाद कर लाए, तो ऐसा गंवार व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति, साहेब समझाते हैं उसको मैं धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूँ, उसकी प्रशंसा भी नहीं कर सकता हूँ, उसको शुभकामना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह गंवार है। बड़ी विलक्षण बात है, गंवार व्यक्ति के लिए साहेब उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। और जैसे आप किसी गुरु के पास जाते हैं, तो किस लिए जाते हैं आप? गुरु के पास जाते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मकल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए, मन इंद्रियों को वश में करने की साधना सीखने के लिए, वैराग्य सीखने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए। लेकिन यदि वहाँ से तुमको आत्मज्ञान भी नहीं मिल रहा है जिस उद्देश्य से गए थे, और वहाँ तुमको ढोंगी गुरु मिल गया, आडंबरी गुरु मिल गया, खाम खां की पूजा पाठ में लगाए हुए हैं, सुबह शाम वही गणपति गंगवा मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और कहता इतनी माला फेरो, उतनी माला फेरो, अरे माला फेरने को मत बता, ये बता मन को फेरो, बुराइयों से मन को घुमाने की कला सिखा दे। माला फेरते फेरते तो युग बीत गया है। तो गुरु का मतलब है जो हमारे जीवन में कल्याण का काम शुरू कर दे, वही गुरु है। और गुरु के पास में कल्याण के लिए हम जाते हैं। कितने शिष्य भी ऐसे हैं, गए थे कल्याण करने के लिए, चाले थे हर मिलन को ओटन लगे कपास, गुरु के पास आए थे कि मोक्ष प्राप्त करूंगा, वहां पहुंच करके पद पाने के लालच में पड़े हुए हैं, धन पाने के लालच में पड़े हुए हैं, चोरी वहीं कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, एक दूसरे गुरु भाई को सता रहे हैं, गुटबंदी बना रहे हैं, गुरु को भी परेशान कर रहे हैं, आलसी बने पड़े हुए हैं, काम करना नहीं चाहते हैं, खाने पीने में भी जो मिल जाता चुरा चुरू के भी खा लेते हैं, कोई ईमानदारी नहीं है। क्या यही सब गुरु के पास करने के लिए आए थे? ये उल्टा पलटा काम करते, ऐसे लोगों को गुरु कहता है ये गंवार लोग है, मूर्ख लोग है। सौदा करने के लिए, से चीनी रूपी सद्गुण सीखने के लिए, शकर रूपी सदाचार को प्राप्त करने के लिए, और यहाँ बुराइयों की खारी नमक की बोरियां लादे घूम रहे। तो ये अपना आपका सुधार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। बलिहारी ते पुरुष की जो परचित परखनहार, साई दीन हो खाड़ को खारी बुझे गंवार। भ्रम भ्रांति का बोझा मत लादी, सत्य ज्ञान को प्राप्त कीजिए, उससे तुम्हारा कल्याण होगा।